जीटीएल इंफ्रा, क्या अभी हमें इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या इस स्टॉक के अंदर हमें कंटिन्यू ऑपरेटर का गेम देखने को मिल सकता है? क्या टारगेट अभी हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं? क्या जीटीएल इंफ्रा फ्यूचर का मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है? डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। माय नेम इज उत्कर्ष शर्मा, दिस इज मार्केट प्राइम। अगर अभी हम आपसे चार्ट के ऊपर बात करें, अभी हमें इस स्टॉक के अंदर एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। आरएसआई के अंदर भी अभी हमें इस स्टॉक के अंदर एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, आप यहां पे देख पा रहे होंगे। वहीं अगर हम आपसे बात करें, काफी अच्छी और स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अभी हमें इस स्टॉक के अंदर एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मूविंग एवरेजेस की बात करें तो 50 डे मूविंग एवरेजेस को भी ये अभी क्रॉस कर चुका है। वहीं अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी, जो हमारी ये वाली वीडियो थी, एक महीने पहले हमने जो ये वीडियो बनाई थी जीटीएल इंफ्रा की, अगर आपने ये वाली वीडियो देख के इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करा था, तो अभी आपको इस स्टॉक के अंदर 40% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। इस वीडियो के अंदर ना हमने आपको 0.95 के लेवल पर रिकमेंड दी थी, ऑलमोस्ट डबल होने वाला है यहां से स्टॉक। तो आपसे इसीलिए कहते हैं बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी टाइप के मल्टीबैगर स्टॉक, एफसीएस सॉफ्टवेयर हो, जीटीएल इंफ्रा हो, बायोजिन हो, सिनकॉम फॉर्मुलेशन हो, ट्राइडेंट हो, ऐसे काफी ज्यादा मल्टीबैगर स्टॉक हमने आपको दिए जो शॉर्ट टर्म के अंदर आपको 100% रिटर्न देके गए। वहीं अगर हम आपसे जीटीएल इंफ्रा के रिटर्न प्रोफाइल की बात करें, 1 month के अंदर इस स्टॉक ने 84% के पॉजिटिव रिटर्न दिए, 1 year के अंदर इस स्टॉक ने 50% के पॉजिटिव रिटर्न दे दिए। सर, अगर आपने इस स्टॉक के अंदर नीचे के लेवल पे बाय करा था, 0.95 के लेवल पे बाय करा था, तो अभी आपको इस स्टॉक के अंदर 40-50% प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। वहीं अगर आप इस स्टॉक के अंदर अगर फ्रेश बाय करना चाहते हैं, तो आगे हम डिस्कशन करने वाले किस प्राइस पे आपको इस स्टॉक के अंदर फ्रेश बाय करना चाहिए। देखिए, अगर आप कोई वीडियो नहीं भी देख पाते हैं, तो टेलीग्राम चैनल पे इसी टाइप के जो मल्टीबैगर स्टॉक होते हैं ना, एफसीएस सॉफ्टवेयर, जीटीएल इंफ्रा, बायोजिन, सिनकॉन फॉर्मुलेशन, ट्राइडेंट और भी कई सारे इसी टाइप के मल्टीबैगर स्टॉक हम आपके साथ टेलीग्राम पे बाइंग रिकमेंडेशन आपको देते हैं चार्ट के साथ, ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एडुकेशन पर्पज के हिसाब से। तो लगे यूजफुल तो आप टेलीग्राम चैनल भी कंसिडर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक है। वहीं अगर हम आपसे बात करें कि अगर आप हमारे प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरी डिटेल है, डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रीमियम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है। डीमेट अकाउंट ओपन करके आप प्रीमियम मेंबरशिप का भी पार्ट बन सकते हैं। वहां पे हम इसी टाइप के मल्टीबैगर स्टॉक शेयर करते हैं जो एक महीने के अंदर आप यहां पे देख पा रहे होंगे। ये तो हमने ओपनली आपके साथ यूट्यूब पे भी शेयर कर दिया था, इसी टाइप के काफी ज्यादा मल्टीबैगर स्टॉक हम आपके साथ शेयर करते हैं जो एक महीने के अंदर आपको 100% भी रिटर्न दे देते हैं। अगर आप इस स्टॉक के अंदर फ्रेश बाय करना चाहते हैं, 1.95 2.05 दोनों करेक्ट लेवल होने वाले हैं, जैसे ये इस प्राइस पर ब्रेकआउट देता है आपको इस स्टॉक के अंदर एक फ्रेश बाय करना चाहिए। अगर ये 1.35 या 1.25 के लेवल पे नीचे की तरफ आ जाता है, ये स्टॉक वीक हो जाएगा। 2.95 के फर्स्ट टारगेट आपको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल जाएंगे, जैसे ये 1.95 के लेवल पे ब्रेकआउट देता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके मार्केट प्राइम फैमिली मेंबर बन जाइएगा। हम आपसे मिलेंगे इसी टाइप की दूसरी वीडियो में।